बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुमैरा मुदस्सिर। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए काली मसूर की दाल विद क्रिस्पी विंग्स। किस तरह से तैयार होती है, उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है कि मैंने दो प्याली तकरीबन इतनी दाल जो लेके 10 मिनट के लिए भिगो दी थी। अब इसके अंदर जो चीज़ें डलेंगी वो है नमक, लाल मिर्चे, हल्दी, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक मीडियम छोटी साइज़ की प्याज है, ये इमली का रस है, साबुत लाल मिर्चे, लहसुन और ये ज़ीरा भगार के लिए। तीन चीज़ें भगार के लिए हैं। वैसे मैं कड़ी पत्ता भी भगार में डालती हूँ लेकिन वो भी मेरे पास था नहीं। अब मैं ये दाल प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। इसके अंदर दो तीन प्याली साइज़ की पानी डालूंगी। मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक डालूंगी, 1.5 टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी और 1/2 टी स्पून धनिया और ये तकरीबन 2 टी स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी मैं इसमें, जो मैंने पहले से पीस के रख लिया है। ये एक प्याज छोटी, ये भी डाल देंगे। आखिर में मैं इसमें इमली का शामिल करूंगी क्योंकि इमली मैं पहले से नहीं डालूंगी। दाल ये तकरीबन हम चूल्हे पे रख देंगे गलने के लिए। अब चलते हैं हम क्रिस्पी विंग्स की रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है, मैं आपको बताती हूँ। हरी मिर्चें तकरीबन मैंने 4 मतलब लेके इसको पीस लिया है, लाल मिर्चों का पाउडर, ये बेकिंग पाउडर है, अदरक लहसुन, नमक, सोया सॉस, वाइट विनेगर और चिली सॉस। सबसे पहले हम इसके अंदर तकरीबन ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ये जैसे हम बाहर जाके रोस्ट और विंग्स खाते हैं ये बिल्कुल उसी तरीके की है, ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैं इसमें पानी डाल रही हूँ तकरीबन 1 प्याली, अब ये 1/4 कप विनेगर ले रही हूँ, 1/4 कप सोया सॉस, 1/4 कप चिली सॉस ले रही हूँ। ये 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ और ये 4 अदद मैंने हरी मिर्चें पीस के रखी थी ये वो सभी डाल देती हूँ मैं। एक टीस्पून लाल मिर्ची डाल रही हूँ, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ये इसलिए डाल रही हूँ कि इसको डालने से जो है चिकन बहुत जूसी और बहुत ज़्यादा अंदर से जो है ना मज़ेदार होती है और ये हड्डियों से बिल्कुल जैसे चिकन चिपक जाती है
उस तरीके से ये बिल्कुल नहीं होती। ये इस तरीके से आप ट्राई करिएगा, ये बहुत देखेंगे किस तरह से जो है करने के बाद अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है ना। तो ये मैं 10 मिनट के लिए जो है इसको रखूँगी अब मैरिनेट करके, तकरीबन 10 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं दिखाऊँगी। ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए, ये है फ्राई करने के लिए जो है मैंने मैदा लिया है एक प्याली। अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च होगा। ये मिक्स करने के बाद मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाऊंगी किस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। अब ये मिक्स हो गया है, अब हम दाल की दाल को देख लेते हैं। हमारी दाल तैयार है तकरीबन, फिर मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाऊंगी विंग्स को। फ्लेम को ऑफ करके थोड़ा सा ऑफ कर देंगे बल्कि बिल्कुल, और इसको अब चेक करेंगे। ये हमारी सीटी हो गई है, दाल हमारी देख लेते हैं। दाल बिल्कुल रेडी है हमारी। मैं इसको चखूंगी पहले, क्योंकि मैं चखे बगैर जो है ना नमक इस स्टेज अब इस में मैं इसमें इमली का पानी डालूंगी जो मैंने आपके सामने रखा था। ये तकरीबन इतना है, ये डाल के बस थोड़ा सा पकाऊंगी इसको। बहुत मज़े की दाल होती है, बहुत आप बनाएंगे इसको तो मज़ा आ जाएगा आपको। गर्मियों में बड़ी ज़बरदस्त दाल चावल की रेसिपी है। इसके साथ वैसे मैं अरबी का भुर्ता बनाती हूँ, वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको कभी बताऊँगी। अब मैं इसके बघार की तैयारी करती हूँ। तकरीबन 1 प्याली के करीब जो है ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें साबुत लाल मिर्ची डालूंगी तकरीबन 10-12 के करीब। ये देखिए, ये तकरीबन साबुत लाल मिर्ची डालूंगी इसमें। ये जब थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें लहसुन इसमें कड़ी पत्ता भी अगर डल जाए तो दाल में और मज़ा आ जाता है। लेकिन अभी मेरे पास कड़ी पत्ता है नहीं, मैं लहसुन ला दूँगी इसको। तकरीबन ये 5-6% के वो है जब मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको मैरिनेट करके रखे हुए। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसको हम ये इस तरीके से हमने इसको पानी में किया और ये इस तरीके से। अगर आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इसको डबल दोबारा से जो है ना इस तरीके से जो है ना करके और दोबारा इस तरह से करके कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा कोटिंग पसंद नहीं है।
फ्राई करके बताती हूँ। गर्म किया है मैंने, ज़्यादा तेज गर्म नहीं किया, इस तरीके से गर्म। बहुत मज़े के लगेंगे आपको, रमज़ानों में आप घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसे लगे। बहुत मज़ेदार होते हैं, रमज़ानों में आप इसको बनाइएगा और खूब इन्जॉय करिएगा। ये मेरी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब मुझे इजाज़त दीजिए। हमारी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके बताएं। और अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब तक अगर आपने हमारा स्वाद किचन का पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। शुक्रिया। थैंक यू फॉर लाइकिंग स्वाद किचन।